मैं एक्सेंट्रिक पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी दर्शन चौहान। हमने 7 तारीख को जो CRPF 210 बटालियन कोबरा के 25 जवान शहीद हुए थे और एक अरवेश्वर सिंह मनास जो जम्मू का जवान हमारा लापता था वो नस्लियों के कब्जे में था, हमने जो जम्मू में अपील किया जम्मू कश्मीर की मीडिया और IV और स्टेट पुलिस CID और केंद्र सरकार से, हमने रिक्वेस्ट किया हमारे प्रेसिडेंट शशि शर्मा जी, चेयरमैन सतपाल ने और जनरल सेक्रेटरी दर्शन कुमार ने, ऑल मेंबर्स ने जो रिक्वेस्ट किया केंद्र सरकार को और मीडिया को, उसकी पोर जोर से पूरे हिंदुस्तान के बीच मीडिया ने बाज उठाई और मजबूरन वहाँ से उनको अरवेश्वर सिंह मनास को कल शाम को वहाँ रिहा किया गया और उनके घर में खुशी की लहर आई और जिसमें जो बधाई के पात्र हमारे जम्मू कश्मीर की मीडिया और CID और IV है और केंद्र सरकार को मैं मुबारकबाद देता हूँ जो हमारे अरवेश्वर सिंह मनास CRPF के जवान हैं जम्मू के, उनको रिहा किया, उनके घर में बड़ी खुशी की लहर आई। मुझे दुख इतना है हमारी जम्मू कश्मीर के जो BJP के लीडरशिप है, 6-3 दिन से उनके घर शोक का लहर चल रही थी और उनके घर में कोई नहीं पहुंचा। जब हमारी मीडिया जम्मू कश्मीर की मीडिया ने बाज उठाई, IB की रिपोर्ट अपर गई और जम्मू के अंदर हालात ख़राब हो रहे हैं और कुछ किया जाए, और वहाँ जो छत्तीसगढ़ के हमारे एक माता जी हैं और एक वो जो धर्मपाल जी पद्मश्री, उन्होंने रिक्वेस्ट किया और बाज उठाई सरकार ने, वहाँ की कांग्रेस गवर्नमेंट ने, और जे तुरंत उसको अरवेश्वर सिंह को रिहा किया और उनके घर के साथ बात की। और मैं जम्मू कश्मीर की मीडिया को बहुत बहुत बधाई देता हूँ एक्सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से, और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है हमारी जम्मू कश्मीर की मीडिया ने और CID ने और IV ने और एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर को, छत्तीसगढ़ सेंटर को मैं मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।